मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द लटवाल राइटर। दोस्तों फिलहाल हैं लद्दाख, और कल जैसे बताया था कि आज जाना है कहाँ भाई, पेंगोंग तो जाना ना है, खारदुंगला। खारदुंगला निकलेंगे आज, लेकिन एक दिक्कत होगी, इशू हो गया, एक बहुत बड़ा हो गया। दिक्कत क्या होगी, कल जो मैंने बताया था कि विशाल भाई की बाइक में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसका कोई सेंसर टाइप का कोई पार्ट्स होता है इंजन में, और वो यहाँ पूरे लद्दाख में है ही नहीं। रॉयल एनफील्ड की एजेंसी में गए, वहाँ भी नहीं मिला। तो अब उन लोगों ने, बाकी यही भाई बताएगा क्या हुआ, के भाई क्या बोला उन्हें। वो ये बोले कि सर हमारे पास ये पार्ट नहीं है। फिर मैंने बोला उनको कि आप मंगा दीजिए एक दिन दो दिन में। वो बोले कि सर हम यहाँ किसी ऑथराइज उससे नहीं लेते हैं, हम सीधा कंपनी से ही हमारा माल आता है। तो अब वो माल आने में लगेंगे 20 दिन। अब 20 दिन यहाँ रहे कैसे, अब 20 दिन रहे कैसे। और सेकेंडली बात ये है कि बाइक 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ऊपर चल ही नहीं रही है। मेन कारण ये है कि भाई अगर हम वहाँ ले जाओगे तो दिक्कत होगी, बाइक बंद हो जाएगी, और फिर इतने दूर टो करके नहीं ला सकते हम। मतलब सर्विस सेंटर वालों ने ये बोला है कि ये बाइक कभी भी बंद हो सकती है। तो विशाल भाई ने ये मन बनाया कि मैं वापस मनाली होके निकल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, तो ये सफ़र हमारा बीच में अधूरा ही रह गया। करना तो पूरा लद्दाख सर्किट सबको कंप्लीट ही था, लेकिन अभी विशाल भाई तो अलग हो रहे हैं भाई, मजबूरी है, क्या करें, बीच में कहीं मजबूरी भी ऐसा ही बात है यार। दूसरी एक चीज़ और भी तो है, हमारा आधा सामान इसके पास ही था कैंपिंग का, जैसे बहुत सामान था भाई। सॉस वगैरह भी है क्या इसके साथ, सैंडविच के साथ? हाँ जैम दे दे यार, कुछ दे दे। तो इतना ही था, बाकी विशाल भाई को मनाली के लिए छोड़ के फिर हम खारदुंगला के लिए निकलते हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा, साथ आए थे भाई, अच्छा तो मेरे को भी नहीं लग रहा, पर मजबूरी है, एक चीज है, इतनी दूर है यार, खर्चा भी होता है, सबसे बड़ी बात है टाइम है। बाकी बिना जाम के अच्छा लग रहा है, इसमें मैंने सोच लगाया ना अंदर, चलो सबसे बड़ा होता है टाइम। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आ जाए थे, अब सारा प्लान चौपट हो गया हमारा, फुली लोडेड करते हुए। हाँ भाई अनिल कुमार है, ये देखो यार कितना माल है, और ये सारा मेरी बाइक पे, इस पे जाएगा एक्सपल्स पे, बाकी लोडेड दोनों हो गई है। बुलेट निकल रही है वापस घर की तरफ मनाली होते हुए, एक्सपल्स निकल रही है एडवेंचर की तरफ। हाँ जी विशाल जी, कुछ कहना चाहोगे, हंस रहे हो भाई, क्या बोल रहे हैं, मजबूरी है, मजबूरी ना होती तो क्या पता क्या होता। बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई पता हो तो चलो, कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, बाकी देख लो यार, रस्सा कड़ी जबरदस्त है, ट्रक पे नहीं लगाते जैसे रस्सा, ऐसे लगा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई विशाल, अरे यार यो पकड़ अपना ग्लव्स पकड़। तो भैया विशाल भाई जा रहा है अपना मनाली होते हुए घर की तरफ, और हम चल रहे हैं खारदुंगला। चलो भैया राकेश, ये हरियाणा का ही है यहाँ पे सर्वेंट, बड़ी सेवा की है इसने भी। बैठ भाई बैठ, चला के आगे चलो। हाँ हाँ ठीक है भाई, ओके भाई ठीक है, झूले झूले। हाँ भाई विशाल भाई, निकले फिर हम डीसी ऑफिस की ओर, ठीक है, आप चलो फिर मनाली की तरफ, देखते हैं क्या चलना, ये हो तो चलना तो है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाएगा। चलो आराम से जाइए, ठीक है, चलते हैं फिर। है भाई अरे विशाल एक बार फ़ोन कर लिया कर, यहाँ से सामने से हमें डीसी ऑफिस की ओर जाना होगा, तो चलिए चलते हैं। ये बस आ रही है यार, इसको जाने देते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ है
कि हमें आज निकलना था पेंगोंग और नुब्रा वैली के लिए, लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिली। अब परमिशन मिली हमें ये यहाँ से साइबर कैफे से करवाइए कल के लिए, तो कल निकलेंगे पेंगोंग के लिए। 3 दिन की परमिशन बनी है लोकल साइबर कैफे से 1,010 रुपये की 2% की। तो आज लद्दाख का लोकल साइट सीन करते हैं, क्यों भाई? चले फिर, चलो। अच्छा, अभी का सीन क्या है कि यहाँ किसी से पूछा मैंने कि भाई कितना दूर है खारदुंगला, तो 40 के करीब है। मैंने कहा वो जो परमिशन चेक करते हैं वो कहाँ है, वो बोला 3-3.5 किलोमीटर है। तो वहाँ चलते हैं, अगर जाने दिया ठीक है, वरना 3 किलोमीटर से वापस आ जाएंगे। इसमें क्या है, परमिशन कल की है, अगर नहीं ध्यान पड़ा उनका तो क्या पता निकल भी जाए, वरना वापस आ जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं खाली घूम रहे हैं, तो फिर ये जाने नहीं देंगे आज। वैसे मैं सोच रहा था कि ट्राई करके आ जाता हूँ, क्या पता परमिशन ध्यान से ना देखे। नहीं सर, वो तो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। वहाँ से टॉप रिस्की है, बाद में आपको ऑक्सीजन कमी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या पता आपको कुछ हो जाएगा, वो रिस्क लेगा ना। तो कल निकले आज, फिर यहाँ लोकल में है कुछ घूमने का? हाँ, लोकल में यहाँ से जाओ शे पैलेस, टीसी मोनेस्ट्री, हिमिस मोनेस्ट्री। अच्छा अच्छा, वो कहाँ है? वो इस साइड पड़ता है आप मनाली रोड से, यहाँ से नीचे जाके पेट्रोल पंप से उस साइड जाना है, लेफ्ट साइड। मनाली रोड साइड है? हाँ, तो वो वहाँ तो हम जाते हैं उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हमको पेंगोंग से आएगा। हाँ हाँ, कल नुब्रा जा रहा है? नहीं, हाँ कल नुब्रा चले जाएंगे, नुब्रा और फिर पेंगोंग अलग, नुब्रा से वापस आना पड़ेगा। नुब्रा से वहाँ से पीछे से पेंगोंग की तरफ रास्ता है। ठीक है, भी जा रहा हूँ टुकटुक। हाँ उस, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आते आते हमें सामने कुछ दिखाई दिया, मेरे को लगा कि है शायद कुछ ये घूमने की जगह, देखता हूँ जाके क्या है। भाई साहब कमेंट में जरूर बताना ये है क्या। एक्चुअली मैं पहली बार आया और मेरे को पता भी नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि क्या है। मैंने गाड़ियाँ देखी और मैं चला आया। नो एंट्री, कितने भैया नो एंट्री? 100 फाइन, 1,000 फाइन। यहाँ तो है गाड़िया है कुछ, मैं सर से पूछता हूँ इनसे। वाजी साहब राम राम। ये क्या है सर? काली माता मंदिर। काली माता का मंदिर है। अच्छा, बहुत फेमस मंदिर है। वेरी गुड, गाड़ी उधर पार्किंग करो, ऊपर है मंदिर, पार्किंग करो जाओ और दर्शन करो। हरियाणा से हो सर? हाँ। कहाँ से? जींद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जींद से। गांव मुरखी। हम सोनीपत से। अच्छा, कौन सा गांव? मुडलाना। मुडलाना की? हाँ जी। अच्छा यार, पुराना मुडलाना। हाँ हाँ हाँ, बस ये चार मुहाना। हाँ जी हाँ जी। तो बाइक को कर दिया यहाँ खड़ा, अब चलते यहाँ से सीधा ऊपर। थोड़ा नीचे का व्यू दिखाऊँ आपको, ये देखो पूरा लद्दाख दिखाई दे रहा है। सामने हवाई जहाज उड़ रहा है, अभी टेक ऑफ किया इसने। तो गाइस सीन कुछ ये है, ऊपर जाना है काली माता के मंदिर में, और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ही चढ़ाऊँ, मेरे पैर में दर्द होने लगा। जूते हुए आर्मी शूज़ होते हैं ना जो, वो पहने हुए मैं दिखाऊँ, मैंने यहाँ रख दिए। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, कम से कम मेरा पैर बच जाएगा, पर बहुत दर्द हो रहा है। चले भाई, चले ऊपर चलते हैं यहाँ से ताकि दरबार के दम फूल गए यार। यहाँ से यहाँ नीचे का व्यू कुछ इस तरह का है। बैग पकड़ ले यार, मैं मर गया, थक गया, मैं बैग पकड़ दूँ। ऑक्सीजन कमी नहीं है? अंदर का सीन गाइज कुछ ऐसा हुआ है, अंदर काली माता की तस्वीरें हैं और बहुत मतलब देवियों की तस्वीरें हैं,
और बुद्ध जी की भी तस्वीरें हैं। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है अंदर से जाने के बाद, लेकिन यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब जा रहे हैं नीचे, दर्शन करके बड़ा मज़ा आया, सुकून मिला दिल को थोड़ा। चलते हैं अब नीचे। तो गाइस शनिदेव के दर्शन करके अभी निकल पड़े हैं हम पत्थर साहिब की तरफ। गुरुद्वारा है, यहाँ से 23 मिनट का रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप, 15 किलोमीटर। अरे रे 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 रे, ये बड़ा खतरनाक काम कर रखा यार। सीधी बाइक नीचे जाओगी। ये गुरुद्वारा आ गया पत्थर साहिब, इधर लगा दूं, आगे लगाऊंगा थोड़ा। बिल्कुल सामने तो गाइस यहाँ गुरुद्वारे के अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउ है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है उनके बारे में पूरी डिटेल दे रखी थी इंस्ट्रक्शन काउंटर के, कि भाई गुरु नानक देव जी 1517 ईस्वी में यहाँ पे आए थे। और ये जो सामने मेरे पीछे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक राक्षस ने, मतलब वो बाद में बताता हूँ, तो वो यहाँ आए थे और यहाँ पे इस पहाड़ी पे कोई राक्षस था, वो यहाँ के लोगों को परेशान करता था, उनको मार के खा जाता था। तो गुरु नानक देव जी ने उनकी मतलब पुकार सुनी और वो यहाँ पे आए, अपनी पूजा पाठ मतलब भक्ति में लीन हुए। वो राक्षस को अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे ऐसे आया है, तो जैसे ही वो गुरु नानक देव जी यहाँ पे भक्ति में बैठे हुए थे, राक्षस ने ऊपर से बहुत बड़ा पहाड़ नीचे गिरा दिया और गुरु नानक देव जी के वो कमर में लगा वो पहाड़ आके। लेकिन जैसे उनकी वो कमर में लगा, उस पहाड़ का मोम बन गया और वो उनके अंदर घुस गया, आधा पहाड़ गुरु नानक देव जी के कमर के अंदर। राक्षस ने सोचा कि गुरु नानक देव जी मर गए, वो नीचे आके देखा तो गुरु नानक देव जी भक्ति में ही लीन थे। उन्होंने उस पहाड़ को, राक्षस ने पहाड़ को लात मारी तो उनका आधा पैर पहाड़ के अंदर ही घुस गया। तो फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी से कुछ गलती मानी, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे सीन। फिर वो अच्छा मतलब आदमी बन के रहा, इस तरीके से है। और जो वो पहाड़ है बड़ा सा, वो अंदर है, वो देखा हमने अंदर, फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी वरना दिखाता आप लोगों को। इतना ही है, अभी चलते हैं वापस, फिर आगे देखेंगे आज का तो सीन क्या बनता है, फिलहाल तो इतना ही है। तो गाइस ये भाई मिले हैं ऋषेंद्र, जब पीछे हमें लखनपुर टोल पे मिले थे, अभी ये आगे से इनकी जर्नी हमारे साथ होगी, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। वैसे तो कहाँ तक, क्या साथ ही करेंगे? हाँ पूरा करेंगे, बिल्कुल चले फिर जी। चलो अच्छा, जो छोटा भाई मिला है ये इलाहाबाद से आए हैं, एक्टिवा पे स्कूटी पे आए हैं, इलाहाबाद से 2% बैठ के। मैं अपनी तारीफ किए जा रहा था कि हम दो हैं, एक्सपल्स में इतना सामान है, ये दो एक्टिवा पे आए हैं मान के चलते। वो फिलहाल एक बात बताता हूँ, मैं पीछे रास्ते में जहाँ रुका था मैंने चाय पी थी, शायद आपने देखा होगा, चाय के लिए मैं आगे रुका था वहाँ पे, पता नहीं छूट गया मेरे को, मैंने वहाँ पीछे चाय पी थी और उसके बाद मैं आगे गुरुद्वारा आ गया था। अब मुझे ध्यान नहीं कि मैंने उसका चाय के और मैंने केक वगैरह खाया था, कुछ कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसके मैंने पैसे दिए या नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। तो मैं भी जाते टाइम पैसे पूछूंगा कि भाई मैंने पैसे दिए थे या नहीं। आ गए हम यहीं पे। अभी देखता हूँ, मैंने इसके पूछता हूँ भाई बाइक है, पकड़िए बाइक को। एक मिनट पकड़े रखना, राजस्थानी भाई पैसे दिए थे मैंने, मैं पैसे दे गया था, कोल्ड ड्रिंक और केक नहीं खाया था, मैंने दे दिया था, मेरे को लगा मैंने नहीं दिया। अच्छा दे दिया, मेरे को पता है, अरे दे दिए, दे इसके पैसे
याद नहीं था। तो भैया फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, अभी पहुंचे हम अपने होटल में और होटल आज हमने चेंज कर दिया क्योंकि पुराने वाला होटल जिसमें कल रुके हुए थे वो फुल हो गया था, तो आज उससे भी बढ़िया मिल गया। नीचे देखो तो अभी होटल में पहुंचे हैं वो इलाहाबाद वाले भाई, जो स्कूटी से दो बंदे आए हैं वो सामने कमरे में, अपना ये रूम है। हेलो कर रहे हैं ये कल गुजरात से आए हैं शायद, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ा फ्रेश वरेश होता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। चावल बना रहे हैं, चावल है ना भाई? हाँ चावल बना रहे हैं, तुम चावल और दही? चावल है, दही मैं बाजार से ले आया, बाकी बाकी तो कुछ नहीं। फिलहाल का सीन ये है, जो वो इलाहाबाद वाले भाई हैं वर्मा जी, वो गए हैं बाहर मार्केट में। मैंने बोला था कि यार इकट्ठा खाना खाएंगे, वो बोला कि हमें बाहर जाना है, वैसे भी कोई काम है एक्स वाई जेड, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई ठीक है अगर खाना ना मिले तो यहाँ में हम बना देंगे। बोला कोई टेंशन नहीं है। बाकी बोल रहा था कि मेरे मत लेके आना इसमें। अच्छा ठीक है गाइस, आज का दिन का शेड्यूल यही था कि बोरिंग था पूरा, मंदिर में गए वो ठीक था, उसके बाद कहाँ गए थे भाई? गुरुद्वारा गए थे। अच्छा फिर उसके बाद ये भाई मिल गए, उनका दो घंटे तक वेट किया, फिर वापस आ गए यही। कल निकल रहे हैं खारदुंगला और नुब्रा वैली, कल नुब्रा वैली में स्टे होगा। निकलेंगे कितने, 8 बजे? 8 के करीब निकलेंगे। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम, ख्याल रखना। बना ले भाई, बना ले बढ़िया, बनाना चटपटी।